मीनू चमगादड़, चलो यहाँ से निकलो। मीनू चमगादड़ अंधेरी गुफाओं में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही साफ दिखाई देता है और उन्हें शांति पसंद है। इंटरेस्टिंग, चमगादड़ों की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है। कौन सी कहानी मीनू? चमगादड़, चिड़िया और बीस्ट की कहानी। एक बार जंगल के बीस्ट और स्काई के बर्ड्स के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। चलो उन बर्ड्स को सबक सिखाते हैं, चलो इन बीस्ट को हराएं। तभी एक डरपोक बैट ये सब देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी साइड ले। बर्ड्स या बीस्ट्स? हमेशा जीतने वाले के साथ रहना ही बेटर होता है। जैसे ही बैट ने देखा कि बीस्ट जीत रहे हैं, तो वो किंग लायन के पास गया और बोला, महाराज मैं आपकी तरह ही एक मैमल हूँ, तो मैं आपके साथ मिलकर बर्ड्स को हरा सकता हूँ। रॉय, श्योर, हमारे साथ मिलकर बर्ड्स को हराओ। लेकिन जैसे ही बर्ड्स इस बैटल में जीतने लगे, बैट ने साइड चेंज कर ली और किंग ईगल से जाकर मिल गया। महाराज, मेरे पास आप बर्ड्स की तरह विंग्स हैं, तो मैं आपके साथ मिलकर इन बीस्ट्स को हरा सकता हूँ। तुम्हारा स्वागत है, हम जल्द ही बीस्ट्स को हरा देंगे। जब तक लड़ाई चलती रही, बैट बार बार साइड चेंज करता रहा, कभी बर्ड्स की तरफ तो कभी बीस्ट्स की तरफ। फाइनली लड़ाई रुक गई और जंगल में शांति हो गई। ईगल, बर्ड्स और बीस्ट सब दोस्त हैं। सही कहा शेर, अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन बीस्ट और बर्ड्स दोनों को ही लड़ाई के दौरान बैट का बर्ताव ठीक नहीं लगा। शर्म आनी चाहिए बैट, तुम हमारे फ्रेंड नहीं हो सकते। तुम और तुम्हारे साथी अब हमारे साथ नहीं रह सकते। और बैट और उसके साथी जंगल को छोड़कर डार्क केव्स में चले गए, बीस्ट्स और बर्ड से काफी दूर। एक डरपोक और दलबदलू हमेशा दोस्तों के बिना अकेला ही रह जाता है। ये तो एक कहानी है बस, लेकिन तुम्हें पता है चमगादड़ मैमल्स होते हैं, वो बर्ड्स नहीं होते, वो नॉक्टर्नल होते हैं। मतलब वो रात में जागकर शिकार करते हैं। हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, इसलिए अंधेरा होने से पहले घर चलते हैं।